मैं YouTube चैनल में हूँ संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। सो दोस्तों, आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है आपको, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक लॉन्ग हेयर के ऊपर की जो आज की वीडियो है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हेयर फॉल होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस बहुत कम लेना है आपको, आप बालों पे बहुत सारा ज्यादा ज्यादा केमिकल्स लगाते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने बालों पे ट्राई करते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने बालों पे लगाते हो, तो इन सारे वो प्रॉब्लम के वजह से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। अगर आपके पानी चेंजेस हो जाता है, किसी किसी को बोरिंग पर पानी सूट नहीं होता है, या फिर आप जहाँ पे ही मतलब आपका बर्थ हुआ है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, वहां से ही अगर आप पले बढ़ते हो और अचानक से आप कहीं पे शिफ्ट हो जाते हो, तो पानी चेंजेस के वजह से भी आपके हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसके कई सारे रीजंस हैं, तो इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है चलो देखते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे शॉर्ट वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किए ना, तो फिर यार शॉर्ट वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आपकी इंडियन ग्लैमर भी आ चुकी है यूट्यूब शॉर्ट्स पे धूम मचाने के लिए। अभी तक जो है मैं इन शॉर्ट्स को इतना सीरियसली नहीं लिया था, मतलब ज्यादा मैंने अच्छे कंटेंट वाले शॉर्ट वीडियोस मैंने थोड़े बहुत ही डाले है, पर अभी जो कंटेंट आने वाले है ना मेरे शॉर्ट वीडियो पे, कतई जहर होने वाले है। तो दोस्तों, देर किस बात की यार, अभी अपना भी जलवा दिखाते हैं। अगर आप अभी तक मेरे शॉर्ट वीडियोस नहीं देखते हैं तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको दिन में एटलीस्ट दो बार तो भी अपने हेयर में जो भी टैंगल से उसे रिमूव करना है, ताकि आपके हेयर जो है वो हमेशा टैंगल फ्री रहे, खिले खिले रहे। अगर आपके बाल जितने दिन तक आप हेयर को जो है टैंगल रिमूव नहीं करेंगे, उतना आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टैंगल रिमूव करते वक्त हमारे हेयर जो है वो बीच में से या फिर जड़ों से जो है वो टूट जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा आने की वजह से जो है हमारे कम कुवत जो हेयर से वो नाजुक से हेयर जो है वो टूट जाते। तो फिर दिन में दो बार अपने बालों के लिए हेयर को कॉम करना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं सुबह उठते के साथ मैं अपने बालों को कॉम करती हूँ, एंड देन सोने से पहले मैं अपने बालों को अच्छे से टैंगल फ्री करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठते के साथ मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ एंड फ्री, और नींद भी मेरी बहुत ज्यादा अच्छी आती है। बालों को जब भी आप मसाज या फिर ऑयलिंग करते हो ना, तो ऑयलिंग को जो है वो डबल बॉइलिंग प्रोसेस से आप किया करो। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, आपने कटोरी में ऑयल ले लेना है, आपको उसे डायरेक्टली गैस पे गरम नहीं करना है, उससे ऑयल जो है ना वो जल जाएंगे और उसके अंदर जो भी प्रोटीन है वो जो है खत्म हो जाएंगे। तो आपको एक बाउल में पानी लेना है, उस पानी को गरम करना है, देन उस गरम पानी के अंदर एक कटोरी में तेल डाल के आपका जो भी फेवरेट ऑयल होगा उसको कटोरी में डालो, एंड जो गरम पानी किया है ना उस बाउल के अंदर आप इस कटोरी को रख देना है। वो गरम पानी जो होता है ना, वो गरम पानी ही आपके ऑयल को जो है ना वार्म कर देगा, गरम कर देगा। जैसे ही ऑयल हल्का सा ठंडा हो जाए, यानी कि वार्म हो जाए, आपकी स्किन उससे सह सके, इस टाइप का जब ऑयल हो जाता है, तब आपके बालों के मेन जड़ों पे आपको लगाना है, और जड़ों पे लगा के आपको उसे अच्छे से मसाज करनी है आपके फिंगर टिप से, ना कि नाखून से। आप जितने नाखून आपके स्कैल्प को लगाएंगे उतने आपके हेयर जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एटलीस्ट 5 मिनट तो भी मसाज करनी है, कितना वीक में दो बार तो भी एटलीस्ट बालों की चंपी जो है वो करनी है। तो इसी तरीके से आपके बालों को और आपको भी खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा, और आपके बाल जो है वार्म होने के वजह से उनकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इसी के साथ आपके हेयर फॉल होने से भी स्टॉप हो जाएंगे। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, भले आपको कितनी भी ठंड लग रही हो या फिर आपको कितना भी गर्म हो रहा हो, आपको हमेशा रूम टेम्परेचर के हिसाब से आपको वार्म वाटर से ही आपको हमेशा हेयर वॉश करना चाहिए, क्योंकि आपके बाल ज्यादा ठंडे पानी से अगर आप नहाते हो, बालों को
ठंडे पानी से नहलाते हो तो वो बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं। और इसी के साथ अगर आप आपकी गर्म ज्यादा कड़कड़क पानी एकदम मतलब बॉइलिंग वाले कड़क पानी से अगर आप आपके हेयर को वॉश करेंगे तो आपके बालों के ऊपर जो भी नेचुरल ऑयल आपकी बॉडी प्रोवाइड करती है ना वो भी साथ ही साथ निकल जाएंगे और आपके हेयर्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि कोई भी सीजन हो उस सीजन के रूम टेम्परेचर के हिसाब से आपको वार्म वाटर से ही आपके हेयर वॉश करने हैं। आपको प्लास्टिक के कॉम को करना है बाय बाय और आपको यूज करनी है वुडन कॉम। वुडन कॉम स्टार्टिंग के 3-4 डेज या फिर 2 वीक्स पकड़ लो आपके बालों में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने स्टार्टिंग में वुडन कॉम स्टार्ट किया था यूज करना तो उससे ना मेरे बालों में बहुत ज्यादा मतलब मेरे बालों को सूट नहीं हो रहा था। तो मैंने धीरे धीरे अपने बालों को आदत डाली, नहीं तो मैं जब भी ठंडी में खास करके विंटर में जब प्लास्टिक की कॉम यूज करती थी तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता था और एक एक बाल ऐसे हवा में उड़ते थे और जब भी मैं उसे कॉम करती थी तो बीच में से ब्रेक हो जाते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। तो धीरे धीरे मैंने अपने बालों को जो है वुडन कॉम की जो है वो आदत डाल दी है। अभी मुझे वुडन कॉम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजिली मेरे बालों को वो सुलझा देता है। अभी मेन प्रॉब्लम यही है कि बहुत से लोग पूछेंगे कि वुडन कॉम मिलता कहाँ है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि वुडन कॉम मिलता किधर है। तो आप कोई भी कॉस्मेटिक के शॉप पे जाएंगे, जो अच्छा कॉस्मेटिक शॉप है अगर आप उधर जाते हो तो आपको कॉस्मेटिक के शॉप पे वुडन कॉम जो है वो आराम से मिल जाएंगे 100 या 150 रुपए में तो मिल ही जाएंगे यार। और अगर आपको किधर मॉल आपको आपके नजदीक कोई मॉल है डीमार्ट है तो आप वहां पे भी जाके वुडन कॉम आसानी से परचेस कर सकते हो। बालों को कभी भी झटकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको इतने झटके हैं और झटके देके उनको आप जिंदा लाश मत बना दीजिएगा, क्योंकि आपके बाल जो है ना एकदम बेबी के जैसे रखने हैं आपको, तो ही आपको ऐसे खूबसूरत लंबे बाल देखने मिलेंगे। तो आपको बालों को नहाने के बाद रैप करना है। आपको जैसे कि पता है मेरे पुराने सब्सक्राइबर में इंडियन स्टाइल में जो है वो रैप करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे हैं कि मैं अगर वेस्टर्न स्टाइल में अपने बालों को रैप करूंगी ना तो धुन धुन इस साइड उस साइड जो गिरते रहते हैं। तो मैं इंडियन स्टाइल में रैप करती हूँ क्योंकि उससे मेरे हेयर जो अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो अच्छे से ड्राई हो जाता है, सोख कर लेता है मेरा टॉवल। और मैं हमेशा टॉवल कॉटन का ही यूज करती हूँ, कॉटन का टॉवल ही बेस्ट है अपने हेयर के लिए। बालों को टॉवल से अच्छे से स्मूथली टैप टैप मोशन करके बालों को जो है अच्छे से वाटर रिमूव कर लेना है, देन पूरा दिन नेचुरल एयर में ही उसे ड्राई होने देना है। आपको नेचुरल एयर में ही आपको अपने बाल जो है वो ड्राई करने हैं। हेयर ड्रायर बिल्कुल भी यूज नहीं करना, हेयर ड्रायर आपके बालों के लिए आपके बालों के सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना हो सके उतना हेयर ड्रायर को अवॉइड करो, क्योंकि आपके बालों को गर्म हीट देके आपके बाल जो है वो डैमेज कर देते हैं। अवॉइड करो इन सब चीजों को। बालों को कभी भी नीचे से ही सुलझाते हुए आपको आपके ऊपर आना है। अगर आप आपके बालों को अगर ऊपर से सुलझाते जाएंगे तो टैंगल्स नीचे के साइड और भी बनते जाएंगे और आपके हेयर जो है बहुत ही ज्यादा ब्रेक होते जाएंगे। तो फिर क्या करना है आपको, बालों को हमेशा नीचे के साइड से सुलझाते ऊपर की साइड आपको आना है। आपको जो है बालों को ज्यादा देर खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जितना आप बालों को खुला रखेंगे उतनी आप एंट्री दे रहे हो धूल प्रदूषण मिट्टी जो भी गंदगी है एयर में वो सारी आपके बालों में घुस जाती है और आपके बालों के जो है वो धजे उड़ा देती है। तो आपको करना यही है कि आप एक तो बालों की पोनी तो भी बनाओ, अगर आपको खुले रखने के तो आप पोनी बनाओ नीचे आपके हेयर्स को जिस तरीके से खुले रह सकते हैं, और अदरवाइज आप बालों की चोटी बना सकते हो बन बना सकते हो। अलग अलग हेयर स्टाइल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यार, आप वो सारे वीडियोस जो है हेयर स्टाइल की वो भी देख सकते हो, पर बालों को ज्यादा खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी मुझे 2 दिन में अपने हेयर लॉन्ग करने हैं, दीदी मुझे 2 वीक में आपके जितने लंबे बाल करने हैं। यार ये जादू नहीं है जो 2 वीक में 2 मंथ में हेयर आपके आसानी से इतने लंबे हो जाएंगे। मेरे को बहुत मेहनत लगी है लंबे बाल करने के लिए।
एटलीस्ट मुझे 9 ईयर्स रफ पेज आप जो है वो पकड़ सकते हो। 9 ईयर्स जो है मुझे इतने लंबे बाल करने के लिए लगे। हाँ, मैंने अभी बीच में वीडियो के लिए इतने इतने हेयर्स कट किए थे बाय मिस्टेकली, मेरी मिस्टेक हुई उस टाइम पे, पर मैं कट अनजाने में हो गया। अभी मैं क्या करूँ, पर अभी मेरे बाल और भी मतलब मेरे एडियों तक मेरे बाल रहते, पर फिर भी मेरे बाल फिर से मैंने ग्रो कर लिए है। तो फिर है ना यार, इतने टाइम में कम वक्त में आपके हेयर इतने बड़े तो नहीं हो सकते, पर अगर आपको एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ करना है कि मतलब जैसे कि महीने में 2 इंचेस हेयर ग्रोथ करने हैं, ऑलमोस्ट 1.5 इंचेस महीने में हेयर ग्रोथ होते हैं, तो अगर आपको 2 इंचेस, तो मैंने ना एक योगा की वीडियो डाली है कि आपको कैसे कैसे योगा करने के बाद आप आपके बालों का जो है वो हेयर ग्रोथ कर सकते हो। सेकेंड ये है कि मैंने ना एक आयुर्वेदा टाइप वाली हेयर मसाज जो होती है ना, जो प्रेशर पॉइंट दबाने से आपके हेयर ग्रोथ हो सकते हैं, हेयर फॉल स्टॉप होता है, वो भी वीडियो में आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो वीडियो आप दोनों भी देख लेना। और दोस्तों, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपने बालों के एंड पे बहुत ज्यादा शैम्पू लगाते हैं, हालांकि नीचे शैम्पू की ज्यादा कोई भी जरूरत नहीं है। मेन आपके स्कैल्प है, आपके स्कैल्प के अंदर आपके पसीना जो होता है वो सूख के वहां पे बैठ जाता है, बहुत सारी दर्द, धूल, मिट्टी, डैंड्रफ, हर गंदगी आपके स्कैल्प में होती है ज्यादातर। तो आपको जो है मेन फोकस आपके स्कैल्प पे रखना है, आपके स्कैल्प को अच्छे से आप वॉश कर लो, फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करके वॉश कर लो, एंड देन आपको हल्का सा ही शैम्पू जो है वो नीचे के साइड लगाना है। अगर आप ज्यादा शैम्पू आप नीचे के साइड लगाएंगे ना, तो आपको दो मुहों बालों की परेशानी हो जाएंगी, आपके बाल जो है वो बेजान हो जाएंगे, रुके सुखे हो जाएंगे। तो इन छोटी छोटी टिप्स को आपको जो है वो फॉलो करना है, आपके बालों को लंबा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मेरे शॉर्ट वीडियोस देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अभी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, इन सारे टिप्स को जरूर फॉलो करना, और मैंने जो बोला है उन बातों को भी ध्यान में जरूर रखना। वीडियो पसंद आती तो लाइक जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, और हर टाइम की तरह वीडियो के एंड में शॉर्ट आउट जरूर मिलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।